तो हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। आपके सामने है एचएफ डीलक्स और आज मैं इस बाइक की ईएमआई की डिटेल बताने वाला हूँ कि अगर 2024 में इस बाइक को आप परचेस करना चाहते हो तो पर मंथ की आपकी ईएमआई क्या बनेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, शोरूम की तरफ से आपको कौन से पेपर दिए जाएंगे या आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे शोरूम के अंदर, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अभी गाड़ी के अंदर आपको तीन वेरियंट मिलते हैं जो कि हमारे पास है जिसकी डिटेल। तो अगर आप किक वाला वेरियंट लेते हो तो उसका प्राइस है 75,798 रुपये, 75,800 रुपये प्राइस हो जाता है मोटा मोटा। और सेल्फ वाला आप वेरियंट लेते हो तो 84,136 रुपये उसका ऑन रोड प्राइस है। अगर आप जेड ब्लैक जो लेते हो तो 84,441 रुपये उस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। तो अगर आप इस बाइक को लेने के लिए शोरूम के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको 5 ईयर इंजन वारंटी मिलेगी, 5 साल का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, कुछ सर्विस आपको फ्री दी जाएगी, उसके बाद आपको बिल दिया जाएगा, पॉल्यूशन पेपर मिलेगा, टेम्परेरी आरसी दी जाएगी। तो अगर आप किक वेरिएंट लेते हो तो उसका जो प्राइस था 75,800, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप इस बाइक को 12 महीने के लिए लेते हो, मतलब 12 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को 15,000 की डाउन पेमेंट देके, तो यहाँ पे आपकी जो ईएमआई है वो बन जाती है 6,744 रुपये की, जो कि पर मंथ आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप 18 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो किक वाले वेरियंट को तो 4,741 रुपये पर मंथ की आपकी ईएमआई बन जाएगी, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप 22 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को 15,000 की डाउन पेमेंट देके, तो आपकी जो ईएमआई है पर मंथ की वो बनती है 4,013 रुपये की। तो ये तो हो गई बात इसकी ईएमआई डाउन पेमेंट की। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की। तो जब इस बाइक को लेने के लिए आप जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने पड़ेंगे, तो उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी कुछ डिटेल, जिसमें आपकी तीन चीजें आती हैं, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड। तो अगर आप पासबुक दिखाते हो तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, 6 महीने का नहीं है तो 3 महीने का भी दिखा सकते हो। अगर पासबुक ही नहीं है तो भी ये बाइक आपको मिल जाएगी चेक के थ्रू। तो अगर सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होता है वो होता है एटीएम कार्ड वाला, जिसे क्या होता है आपको एटीएम कार्ड ऐड करवाना है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगी ऑनलाइन, जो भी आपकी ईएमआई होगी वो हर महीने आपके अकाउंट से कटती चली जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ईएमआई की डेट हो उसे 2 दिन पहले आपको अकाउंट के अंदर पैसा डालना है या फिर चेक करना है। उसे क्या होगा, अगर आप 1 दिन भी मिस करते हो तो 500 से 600 रुपये तक की आपकी पेनल्टी लग सकती है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, जो भी आपकी ईएमआई की डेट हो उसे 2 दिन पहले आपको चेक करना है। तो गाड़ी की ईएमआई, डाउन पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स और पेपर सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी कुछ मिस रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको 100% देने वाला हूँ। और ये जो बाइक है ये अवेलेबल है यहाँ पे नोएडा में सेक्टर 58 हीरो सिंगला एजेंसी पे। इसका जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, कांटेक्ट करके आप इस गाड़ी की और डिटेल वहां पे पता कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइस लिटिल विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।